एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। और इस समय हूं मैं सेंट्रल फॉल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इंडो इजराइल एक्सलेंस सेंटर लाडवा में, जो कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है हरियाणा में। और ये भारत सरकार का इजराइल सरकार से खेती किसानी समझौते के तहत ये सेंटर स्थापित किया गया है। और इसमें उष्ण कटिबंधीय पौधे जैसे हमारे पियर, नाशपति, आड़ू, आलू वगैरह और आम की बहुत ही कलरफुल कई वरायटियाँ इसमें तैयार होती हैं। और इसमें लीची, चीकू, बहुत सी शानदार वैरायटियाँ ये सेंटर तैयार करता है। उसके साथ साथ किसानों को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग इस सेंटर के द्वारा मिलती है। और एक बहुत ही अच्छी यहाँ नर्सरी भी स्थापित की गई है। तो किसानों को पौधों को कैसे लगाना है, उसकी प्रूनिंग कैसी करनी है, खाद खुराक का प्रबंधन और पानी का प्रबंधन, यहाँ तक कि फल की तुड़ाई और बेचने तक का महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस सेंटर में दी जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं निजी सिक्की वैरायटी के बारे में, जो गोल्डन कलर की वैरायटी है और रेयर वैरायटी है, जिसका अच्छा मुनाफा किसान इसको लगाकर कमा सकता है। और डॉक्टर सुवेंदु जी, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं लाडवा सेंटर में, हमारे साइंटिस्ट, इस नाशपति के बारे में, फल का मिठास किस प्रकार का है, इसका साइज कितना आता है और किस समय ये पकती है, पूरी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और विशेषता इस वीडियो में हम प्रूनिंग पर जानकारी डॉक्टर सुवेंदु जी से सुनते हैं। डॉक्टर सुवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सेंटर फॉर सप्लाई। आपकी निजी सिक्की नाम से जापानीज पियर है वो, जो बाहर से आपको ब्राउन हो जाएगी, 350 ग्राम का सिंगल फ्रूट साइज होगा स्टैंडर्ड, अगर आप अच्छे से फ्रूट की थिनिंग वगैरह करते हो। और रेट आप अगर देखा जाए तो लगभग आपको 150 पर केजी से लेके 300 रुपये पर केजी तक आपका रेट चला जाता है। बाहर से हार्ड है, अंदर से पूरी सॉफ्ट है, तो एक तरह से डिस्टेंस मार्केट पे या तो आप बेचने के लिए लेके जाते हो तो अच्छी 10-15 दिन बढ़िया आराम से टिक जाती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी। और वैसे आप फ्रिज फ्रूज पे ला दिया तो महीने भी निकाल देती। तो वैरायटी अच्छी है, जिस तरह से लोगों की डिमांड है कि अंदर से सॉफ्ट है, जैसे सॉफ्ट वैरायटी, जूसी वैरायटी लोग मांगते हैं, उस हिसाब से ये आपकी बढ़िया। अब जैसे आप देखोगे कुछ कोरियन पियर हैं, सिंगो नाम से आती है, सिंगो पियर है, उनका भी काफ़ी अच्छा साइज हो जाता है, बाहर से ब्राउन है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। लेकिन हम लोग उसी ग्रीन पियर पे है ना अभी तक, तो हमको थोड़ा सा तो वैरायटी में शिफ्टिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्डन पियर भी बनाई वो किस तरह की है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ अभी वैरायटीज बनाई हैं 2-3, तो उसमें एक निजी सी की जैसी भी वैरायटी है, ठीक है, गोल्डन पियर करके बनाई है, उसी जैसी है। लेकिन अभी उसमें क्या है, वो जम्मू कश्मीर और वहाँ के लिए सुटेबल है, बट यहाँ के लिए थोड़ा सा ट्रायल लेने पड़ेंगे कि लो चिल के जैसे बिहेव करती है कि नहीं, यहाँ पे फ्रूटिंग कैसी आती है। तो इस बार हम कश्मीर वाले इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो देखिए इसका ये है कि आपका जो पंजाब नाक है उससे तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन रेट आपको अच्छा मिल जाता है। मान लो उसका 8-9 साल का पौधा आपका 1.5 क्विंटल तक भी चला जाए, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है और क्वालिटी प्रोडक्शन लेना है तो 7-8 साल के पौधे में भी आपको लगभग 70 से 80 किलो आप रखेंगे तो अच्छा साइज, अच्छा सारी चीज़ें, क्वालिटी आएगी। तो वैरायटी अब देखो, सीधी सी बात आपको मैंने बताया कि 350 ग्राम का सिंगल साइज चाहिए, अब आप उसको लिए जा रहे हो 1.5 क्विंटल, 2-2 क्विंटल पे लेके जा रहे हो, तो साइज इंप्रूव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती है इसकी, तो हमको फ्रूट थिनिंग भी करनी पड़ती है कि कुछ फ्रूट रिमूव करेंगे तो कहीं जाके एक अच्छा साइज इंप्रूव होगा। तो ये एक वैरायटी विशेषता है, साइज बहुत अच्छा है, खूब फ्रूट लगते हैं, लेकिन हमको कुछ फ्रूट थिनिंग भी करनी पड़ेगी, लिमिटेड हम फ्रूट लें जिससे क्वालिटी अच्छी होती है। और डब्बे में पैक होके जाने वाली वैरायटी है, ऐसा नहीं कि आपने रेडी पे रख के बेचने चल दिए, अच्छा मार्केट बनेगा फ्यूचर में, ये 100% है। और इनकी जो फ्लावरिंग है जैसे पंजाब ब्यूटी के साथ में एक साथ ही आती है, लगभग हफ्ते भर का आगे पीछे डिफरेंस है बाकी फ्रूटिंग में। बाकी निजी सिक्की ऐसी कि आप उसको थोड़ा लेट तक भी रख हार्वेस्ट कर सकते हो। बाकी यही है ना कि लेट हार्वेस्ट करने का कैसा मेंटेन होता है, क्योंकि पूरे बंच में छोटे साइज के भी फ्रूट है, बड़े साइज के फ्रूट है। वही आपको मैंने जैसे पपीता वाला बताया था कि बड़े साइज के आप क्या करो, हार्वेस्ट करते जाओ जिससे अगलों को मैच्योरिटी का भी टाइम मिले और थोड़ा आप 10-15 दिन आगे पीछे इसको खींच सकते हो हार्वेस्टिंग के हिसाब से, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। और खाने में सॉफ्ट है सर? खाने में अंदर से पूरी सॉफ्ट है, बाहर से हार्ड है, तो सेल्फ लाइफ भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, नाशपाती में क्या होता है, ये छोटी आंख जो दिख रही है आपको ब्रांच में, ये छोटी आंख, यही छोटी आंख मैच्योर होती चली जाती है
और इस तरह से आपको मोटी गांठ बनाएगी। इस तरह से गांठें दिख रही मोटी, ये मोटी गांठ आगे चल के इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है। ये गांठ इस तरह से मोटी होगी, फिर आगे वाली और इस तरह से मोटी होती चली जाएंगी, दिख रहा है। लास्ट में फिर ये इस तरह से और ये मोटी गांठ बन जाती है, दिख रही है ये। तो नाशपाती में क्या होता है, वैरायटी के हिसाब से डेढ़ से ढाई साल में ये एक छोटी आंख बड़ी गांठ बनाती है, जिसको हम स्पर बोलते हैं। और एक बार ये स्पर मैच्योर होने के बाद इसमें एक बार फ्लावरिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, तो ये 8 साल तक आपको क्या देगा, फ्रूट देगा, वही सिंगल गांठ, ठीक है। अब हम इसमें प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं, पीछे वाली जो आंखें हैं वो हम किस लिए छोड़ देते हैं कि आगे वो फ्रूट देंगी। आगे वाली हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये आगे फ्रूट इनमें लगने वाले हैं, क्योंकि यही हमने आंखें क्या करनी है, बड़ी करनी है, मोटी करनी है। तो सिर्फ इसमें कट कहाँ लगेगा, जो नई शाखाएं निकलेंगी उसमें, वो किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि एज इट इज वही आंखें रखेंगे। मान लो एक ब्रांच पे 25 आंखें, 25 की 25 अगर आपने रख ली तो कोई नहीं मोटी होंगी, आराम से बढ़ेंगी। तो हम एक तरह से ब्रांच थिनिंग कर देते हैं, जिससे अब सारा खाना किस पे जाए, बची हुई आंखों पे, जिससे वो आंख जल्दी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ढाई साल वाली डेढ़ साल दो साल में भी अच्छी मैच्योर हो जाती है। टाइम वही आड़ू आलू बुखारा नाशपाती से 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ही करनी है आपने। अब देखिए ये नई शाखा निकली थी, नेक्स्ट ईयर कट किया था तो ये शाखा निकली, इसको हमने 50% रिड्यूस कर दी, बस इतना ही किया हमने, ठीक है। दूसरा हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप हार्वेस्टिंग करें, तोड़ाई जब करें फलों की, आपने आंख डैमेज नहीं करनी है, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल के लिए नहीं मैं वैसे ही बता रहा आपको एक बार, हाँ इधर आएंगे, इधर देखिए ये आंखें दिख रही हैं आपको, ये यही छोटी आंख बड़ी होके इस तरह से मोटी, यहीं से फ्लावरिंग निकलेगी, ठीक है ना। ये कितनी रखनी है, सभी रखनी है, सभी रखनी है, फ्रूट लेना है, ठीक है, जितनी अच्छी बनेगी, ठीक है। एक ही आंख 8 साल तक फ्रूट देनी है, ठीक है। ये देखो ये रखी हुई है, ये आंख है, फल को अगर आप अच्छे से तोड़ सकते हो तो कटर से तोड़े, नहीं आंख को खींच के तो बिल्कुल ना तोड़े, क्योंकि आपने एक आंख तोड़ ली मतलब 8 साल का फ्रूट तोड़ लिया।